देखिए, जब शुरू में इस सरकार का गठन हुआ उस टाइम मैंने कहा था कि वोट किसी की, सपोर्ट किसी को, उसका आधार लेके ये गठबंधन का बनाई सरकार बनी है। कहीं का ईंट, कहीं का रोड़ा, बहानमती ने कुनबा जोड़ा, अब वो सरकार बनी है। लेकिन क्योंकि हरियाणा के लोगों का सवाल है तो मैंने शुभकामनाएं दी थी सरकार को कि जो वायदे किए हैं वो पूरा करे, हरियाणा को आगे लेके जाए। अब देखो, अब मंत्रिमंडल का गठन हुआ है जो दूसरे दिन होना चाहिए था, इतना डिले होके हुआ है, तो कारण तो पता लगना चाहिए लोगों को, क्या कारण था। जो आज तक 53 साल के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि मंत्रिमंडल का गठन इतने दिनों के बाद हो, तो इसके क्या कारण थे ये लोगों को बता नहीं, पता लगना चाहिए। और आगे स्मूथ काम चले, यही शुभकामना है मेरी। बाकी इतिहास क्या रहा है सबको मालूम है, फिर भी क्योंकि हरियाणा का हित परम है हमारे को, मेरी फिर भी शुभ। पार्टी की अंदरूनी उसकी मैं नहीं चर्चा करता, लेकिन मैं यही पूछ रहा हूँ कि भाई लोगों को पता लगना चाहिए क्या कारण था जो इतनी मंत्रिमंडल बनाने में डिले हुई। कई दफ़ा कहा कल गठन होगा, फिर रुक गया, फिर गठन हुआ। तो ये कुछ लोगों में भ्रांतियाँ जो हैं उनको दूर करना चाहिए। अच्छा, तो अगर वायदा पूरा करते हैं, अच्छा काम करेंगे, मैं उसकी सराहना भी करूँगा, और जो अपना वायदा काफ़ी करेंगे उसकी निंदा भी करूँगा। जहाँ सवाल होगा हरियाणा के लोगों का हित का, हरियाणा का हित का, खूब डट के लड़ेंगे।